प्रदेश में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन हुआ। प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने नीति प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। इस निर्णय से राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की सर्वाधिक स्रोत उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए राज्य अत्यंत अनुकूल है। मिलेगी छूट और बढ़ेगा निवेश। राज्य सरकार की नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं देगी। इनमें राज्य के प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्षों तक प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 50% तक की छूट दी जाएगी। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त एवं कोर्स सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जाएगी। परिशोधित या खारे जल से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% अधिकतम 5 करोड़ रुपए की अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त रिप्स 2022 के तहत विभिन्न छूट, जल की उपलब्धता एवं बैंकिंग सुविधाएं भी दी जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता एवं उत्पादित बिजली की बैंकिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही पीक आवर्स के दौरान बिजली निकासी पर लगी रोक भी नवीन नीति में हटा दी गई है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के तहत विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति छूट होगी। इसके साथ ही बिजली संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक प्रतिपूर्ति अथवा माफ किया जाएगा। रिप्स 2022 के तहत ट्रस्ट सेक्टर में शामिल होगी। नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा। साथ ही इसे सनराइज सेक्टर में शामिल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज के परिलाभ दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस नीति में हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है। वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य रखे गए हैं। इसमें 4 श्रेणियों में परियोजनाएं स्थापित होगी। इनमें अक्षय ऊर्जा का निकास पावर ग्रिड के नेटवर्क के द्वारा एक ही स्थान पर अक्षय ऊर्जा एवं हाइड्रोजन का उत्पादन 700 KTPA अक्षय ऊर्जा का 24 घंटे उत्पादन RTC पावर 800 KTPA और अक्षय ऊर्जा का निवास RVPN नेटवर्क के द्वारा 500 KTPA है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।